उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा एक हत्या का खुलासा किया गया है। घटनाक्रम के अनुसार 24 अक्टूबर को थाना डिलारी अंतर्गत रहने वाले वेदपाल अचानक गायब हो जाने पर संदिग्ध थाने पर उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई, जिसके बाद उसकी खोजबीन शुरू कर दी गई। कुछ पता नहीं चलने पर गुमशुदगी को अज्ञात के खिलाफ अपहरण में तरमीम कर जांच शुरू कर दी गई, तो पुलिस को तफ्तीश में एक के बाद एक सुराग मिलते गए और पुलिस हत्या आरोपी तक पहुंच गई और हत्या में शामिल तीन अभियुक्तों में से दो अभियुक्तों नितेश और राजीव को गिरफ्तार कर लिया और तीसरा फरार अभियुक्त हरीश की तलाश जारी है। गिरफ्त में आए अभियुक्तों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और पुलिस के अनुसार मृतक और तीन हत्या आरोपी काशीपुर उत्तराखंड में एक फैक्ट्री में काम करते थे। उन्होंने वेदपाल की मोटरसाइकिल हड़पने के लिए उसे घुमाने के बहाने मुक्तेश्वर जिला नैनीताल ले गए और एक झरने में डुबोकर उसकी हत्या कर दी गई और वहां से लौट आए। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से मृतक की मोटरसाइकिल और मृतक का मोबाइल बरामद कर लिया है और दोनों अभियुक्तों को हत्या के आरोप में जेल भेज दिया है। डिलारी क्षेत्र में बीरपाल नामक व्यक्ति की गुमशुदगी के संबंध में एक रिपोर्ट उनके परिवारी जनों द्वारा दर्ज कराई गई। गुमशुदगी के उपरांत छानबीन पर उस गुमशुदा व्यक्ति का कोई पता कुछ दिनों तक नहीं लगा। तदोपरांत इस प्रकरण में अपहरण की रिपोर्ट थाना डिलारी पर पंजीकृत हुई। पुलिस के द्वारा टीम बनाकर इसमें गहनता से छानबीन की गई तो जानकारी में आया कि मृतक काशीपुर में एक फैक्ट्री में काम किया करता था। पुलिस वहां पर जाकर गहराई से छानबीन की तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि तीन लोगों ने जो कि वहीं काशीपुर में काम करते थे उनके द्वारा मिलकर मृतक की मोटरसाइकिल को हड़पने के उद्देश्य से, उसके पास एक नई मोटरसाइकिल थी, उसको शराब पिलाकर घुमाने के लिए मुक्तेश्वर जो जनपद नैनीताल में पड़ता है वहां ले गए और वहां एक झरने में डुबोकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस स्टेप बाय स्टेप इसमें प्रयास करती रही, छानबीन करती रही और मृतक की गाड़ी के साथ मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दो अभियुक्त गणों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ पर उनसे उन्होंने घटना का जुर्म इकबाल किया है। मृतक की मोटरसाइकिल और उसका मोबाइल फोन अभियुक्त गणों से बरामद किया गया है। आगे की छानबीन की कार्यवाही जारी है। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।